पहली ब्लॉकबस्टर थी हीरो। Absolutely. उसके बाद मेरी जंग, मैं बलवान, आंधी तूफान, दिलवाला, शहंशाह, परिवार, घर हो तो ऐसा, घायल, आज का गुंडा राज जैसी हिट पे हिट फिल्में देकर इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग जगह बना ली थी। माधुरी दीक्षित और जूही चावला इनके फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करती थी। दामिनी में तो इन्होंने दामिनी यानी बिजली ही गिरा दी थी। अपने एक्टिंग करियर के पीक पर आकर ये अपने फैंस को तरसता और तड़पता छोड़कर यूएस चली गई। क्यों क्यों क्यों? इंडिया इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिस इंडिया टर्न्ड सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस, ओ सो ब्यूटीफुल मीनाक्षी केशाद्रे। मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां, एपिटोम ऑफ ग्रेस, माइंड ब्लोइंग सुपरस्टार, वाओ, हिस्टोरिक। आज मैं यहाँ आई हूँ सालों 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 बाद। फैंटास्टिक कंटेस्टेंट्स, पेरेंट्स, ऑडियंस एंड द स्पेशल स्पेशल जजेस, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे संगीत के प्रेम को मैं आपके साथ आज जोड़ना चाहती हूँ। मैं यूएस में गई, हाँ जी मैम, माँ बनी, वाइफ बनी, सब बनी और बावर्ची भी बनी जिसकी आदत मुझे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि साउथ इंडियन वेजिटेरियन खाना मैं काफी अच्छा बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आप खाना बनाना पसंद करती हैं, हम खाना खाना पसंद करते हैं। What a match! Yeah, what a match! मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच, प्लीज हैव योर सीट, लेट्स हैव अ वंडरफुल एपिसोड। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जजेस, दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि 96 के बाद पहली बार मैम स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, यानी 27 इयर्स के बाद मैम ने इंडियन आइडल को चुना है। लकी अस, अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, वी फील सो लकी। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, प्रेजेंटिंग K3L, खुदार कन्या काव्या लिमय और NRM यानी कि नेशनल रिजेक्टेड माल चिराग कोटवाल। कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है।
ये सब किससे है पुराने, मैं तो बस इतना जानू 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 मैं तेरा जानू तू मेरी दिलबर है, मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है। पर प्रेम गंध के पन्नों पर तू मेरा हीरो है, हो मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है, मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है, मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है, मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है। इमेजिन जो गाने बज रहे हैं, इतने लेजेंडरी गाने, इतनी लेजेंडरी फिल्में, वो हमारे बाजू में बैठी हैं यार, मीनाक्षी शेषाद्री जी, वन एंड ओनली। इसी आइकॉनिक गाने को लता जी ने गाया था, एंड काव्या यू हैव डन मोर देन जस्टिस टू द फीमेल पार्ट। थैंक यू। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शहंशाह फिल्म में आपकी और अमित सर की जोड़ी क्या लगी थी? इस जोड़ी के लिए तालियां। तो मैम कैसा था अमित जी के साथ काम करना, क्योंकि वो इतने डिसिप्लिनेरियन हैं, इतने पंक्चुअल हैं, इतने फोकस्ड हैं, तो कैसा अनुभव रहा मैम? अमित जी के साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, बहुत फोकस्ड हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ। ये बात उनके साथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी आप सबको, जो आई डोंट थिंक दुनिया जानती है। मैं 10th क्लास दिल्ली में स्कूल में पढ़ रही थी, हम सब बच्चियां स्कूल बस में घर लौट रहे थे, हमारे सामने रोड पे एक मोटर बाइक पे अमिताभ बच्चन और रेखा जा रहे थे, सिलसिला फिल्म की शूटिंग चल रही थी,
हमारा बस ड्राइवर पूरे जोश में कहा, इनके पीछे जाते हैं, घर बाद में जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। वो रुक गए, लेकिन उसी वक्त यश चोपड़ा आए गाड़ी में और बोले, अमित शॉट रेडी, चलो। तो अमित जी ने कहा, सॉरी गर्ल्स। कट टू 5 साल बाद ऊटी में शूटिंग हो रही है शहंशाह की। wow. अमित जी मोटर बाइक पे सामने और पीछे रेखा जी नहीं, मैं। क्या बात है। कभी सोचा था कि ऐसा होगा? सपनों में भी नहीं सोचा था। wow. क्या बात है मैन, इनक्रेडिबल। इस बात पे जोरदार तालियां wow. होनी चाहिए यार। शिवम, दैट वॉज ब्यूटिफुल। ये गाना मेरे लिए इतना स्पेशल है और आज आपने इसे और स्पेशल बना दिया। लाइव मेरे कानों में आपके ये जो मधुर स्वर हैं अभी भी गूंज रहे हैं। दिस सॉन्ग लगता है बड़ा सिंपल, बट इसे एकदम पिच परफेक्ट गाना, दिल से गाना, खूबसूरती से गाना, दैट्स एन आर्ट एंड यू डिड दैट टुडे। थैंक यू सो मच। एक शख्स है जिसने सिंगिंग की वर्जिश तो की, लेकिन साथ ही साथ दिन रात बहुत मेहनत की है।
सर मुझे जैसे जब पता चला कि मीनाक्षी मैम आ रहे हैं हमारे सेट पे, इतने ग्रेट डांसर हैं, तो मैं सारी प्रिपरेशन के साथ आया था कि मतलब अगर अगर इनके चांस मिले उनके साथ डांस करने का तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था। क्या डांस करती है, उफ, उफ। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी ज्यादा मत कीजिए वरना सूटकेस में पैक होके अमेरिका आ जाऊंगा मैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब दुनिया की सबसे लकी बेटी, इनके पापा ने बचपन में दूसरे पापाओं की तरह इनको महंगी वॉकर खरीद कर नहीं दी, क्योंकि इन्होंने बेटी को खुद उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज भी जिंदगी के हर कदम पर बेटी की उंगली थामे हुए। उन्होंने और पापाओं की तरह इनको ब्रांडेड कपड़े नहीं लेकर दिए, पर वो सीख जरूर दी कि ये खुद सिंगिंग की दुनिया में एक दिन बड़ी ब्रांड बने। तभी जो पापा के कदमों पर बिछा देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देवोस्मिता रॉय। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा,
epic! क्या performance है यार? This is the performance of the season. You don't even know कि तुमने क्या गाया है. पहले तो मुझे तुम्हारे साथ ये एक गाना गाना है, यही सुर में अभी right now. अरे धुआं चालू करो यार. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा. ओ तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा. Outstanding. Thank you so much, Devasmita. Historic, super, fantastic, incredible, ultimate, epic. Jai Mata Di, let's rock! Yeah. गाने का जब पिक्चराइजेशन हुआ था फिल्म जुर्म में, उसमें मेन पार्ट मेल का था और छोटा सा एक अंतरा फीमेल का था. लेकिन आपने जब इसे गाया तो मुझे लगा कि पूरा गाना फीमेल ही होना चाहिए था. देवो, इतना खूबसूरत गाया, इतना खूबसूरत गाया कि आपने मौसम बदल दिया. उनकी याद दिला दी तुमने मुझे. कौन कौन हो सकता है? अपने सनीपा जी. सनी जी के साथ मैंने मेनली तीन फिल्मों में काम किया है और तीनों आइकॉनिक हिस्टोरिक फिल्में. दामिनी, घायल और तीसरी फिल्म थी घातक. घातक घातक के लिए कुछ भी मत बोलना. मुझे एक शिकायत है. क्या शिकायत है मैम? शिकायत है दामिनी फिल्म के राइटर डायरेक्टर से. नाम मेरा दामिनी था जी. डायलॉग्स कौन से याद रह गए फिल्म के? सनी पाजी के. सनी पाजी के जी. अभी वो डायलॉग मुझे देते थे तो मैंने कर सकती थी. तारीख में तारीख. अरे हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ देखने में विश्वास करते हैं. मजा आने वाला है. मिलोड 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 मिलोड. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई मिलोड. लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला. और वो कौन कैसे भूल सकते हैं जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना. तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. मीनाक्षी जी के लिए तालियां. क्या डायलॉग्स बोले. अब रूपम जी. कम ऑन रूपम. जीऊंगी
चार के दिल को छू गई हैं आप, वो इतने इमोशनल हो गए हैं रूपम। गजब, क्या परफॉर्म, और अंतरे से तो जो तुमने गाया है रूपम। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे। ओह, तुम्हारा हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, तुम्हारी टोनल क्वालिटी इस गाने को जो सूट करती थी, क्या बात है। मैं लाइव पहली बार आपको देख रही हूँ, सुन रही हूँ। आपका जो अंदाज़ है, आपकी जो पकड़ है संगीत के ऊपर, वो सब समझ में आया इस गाने में। ये भी समझ में आया कि आप कितने जज्बात के साथ गा सकती हैं, और ये सब बातें जब पावर पैक्ड आती हैं, यू नो, ऐसा लगा कि एक लहर सी इस तरफ आई और मुझे उसने एकदम एनवलप कर दिया। थैंक यू। रूपम, आप ने मौसम बदल दिया। बहुत अच्छे। मेरे को पूछना है कुछ। यस नेहू। मैम, कभी कभी ऐसा फील होता है, यू नो, ऑल दिस स्टारडम एंड एवरीथिंग, इट गेट्स इनटू योर हेड, और कभी लगता है कि सब छोड़ दे क्या सब, मतलब बहुत, यू नो, और ऐसा फेज एक आपकी लाइफ में आया था जब आप यू वर किलिंग इट, उस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि आप यू वर गोइंग टू शिफ्ट, है ना, यू वर मूविंग टू यूएस, यस, है ना, शादी करके, और तो वो कैसे कर पाई आप ये? सबसे पहले फिल्मों से मैं बहुत खुश थी, फिल्म वाले मुझसे बहुत खुश थे, ये सही बात है, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग ह्यूमंस हैं और हमेशा हम अपने हमारे जोड़ी की तलाश में रहते हैं। exactly. और अचानक मुझे ऐसे मन में लगा कि मेरे जीवन में कौन आने वाला है, वो कहाँ है। अमेरिका गई तो मुझे वो शख्स मिल गया। मम्मी ने कहा, तुम शादी करके अमेरिका जाओगी, ये सब छोड़ दोगी, इंडिया छोड़ दोगी। तो मैंने कहा, शायद आर्ट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मैं किसी और फॉर्म में फॉलो कर लूँगी, लेकिन ये इंसान मेरे जीवन में शायद फिर नहीं आए। डिसीजन मुश्किल था, एक साल लगा मुझे सोचने के लिए, फिर मैंने फिल्में खत्म की और चल पड़ी। वाओ, मोहब्बत की राह पे। थैंक यू मीनाक्षी जी। चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट, द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह। Whoa!
कितने हैं बेचैन, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन, जब से तुमको चाहा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। होश है ना है दिल पे मेरे काबू, हाँ पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू, ये सोच के घबराऊं आशिक ना बन जाऊं, जब से तुमको मांगा है सनम नींद है ना मुझे कहीं चैन, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। जाएंगे हम जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगी, मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के में, मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा 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 मेरा, मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थैंक यू सो मच। वाह ऋषि, कम ऑन
ऋषि, आपने मेरी जंग का ये जो गाना आपने गाया, मैंने नहीं कभी इमेजिन किया था कि ऋषि को मैं कभी ये गाना गाते हुए सुन सकती हूँ या ऋषि गा भी सकता है. एंड ऋषि, यू सैंग इट ब्यूटिफुली. यू नो, ऐसा होता है कि ये मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है तो दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये ना वो नहीं गा सकता, या ये ना ये इसी जोन में गा सकती है, वो नहीं गा सकती. बट जब आप ऐसे गा देते हो ना, तो जो आपका फैन होता है ना, उसका सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट यू डिड टुडे. मुझे आपके पहले गाने से ये लगा, जब से तुमको देखा है सनम, कि आप ऐसे गा रहे हैं जैसे कि आप खुद ही कुछ प्यार में हैं, या आपके अंदर कुछ एक अंदर से बात निकल रही थी उस गाने में. तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे, गाने जब भी मैं तैयार करता हूँ या गाता हूँ, रोमांटिक सॉन्ग्स हो, मुझे ज़्यादा पसंद है, तो उसको सुनते टाइम मैं रिमेम्बर करता हूँ अपने पास में जो भी जिसके साथ मुझे प्यार हुआ था या मैंने जिसको पसंद किया था मेरे लाइफ में जो थी वो, तो उसको इमेजिन करता हूँ, तो उससे फील मुझे ज़्यादा आता है, उस गाने को उसके बढ़ जाता है. एक मिनट, वो आपके जीवन में थी, अब भी हैं? नहीं मैम, एक्चुअली वो थोड़ी ज़्यादा ही रिच फैमिली से है और हम थोड़े साधारण लोग हैं, अयोध्या में हैं तो बहुत साधारण तरीके से लाइफ हमारी चलती है, तो इतना ज़्यादा उस लेवल तक पहुंचना मेरे बस की बात तो नहीं थी. मेरे फिल्म हीरो में भी ठीक ऐसे ही कहानी थी कि लड़की अमीर थी, लड़का नहीं, वो तो गलियों का मवाली गुंडा था, पर दोनों में प्यार हुआ एंड द लव अफेयर वर्कड आउट. तो आई होप कि ये भले आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहा, बट फ्यूचर में आपको ठीक वही मिले जो आपके लिए सही है और आपको जैसा प्यार चाहिए वो आपके लाइफ में आए. थैंक यू मीनाक्षी जी. आपको इनमें यंग जग्गू दादा नजर नहीं आते? अच्छा ऋषि, एक काम करो, माइक एक हाथ में लो और ऐसे आर्म्स को ऐसे करो, ठीक है? हुलिया देखो, ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट, फिर एक मेडालियन. यस, ये तो यू नो यू आर राइट, इट डज लुक लाइक जग्गू दादा फ्रॉम हीरो, यू नो व्हाट ही इज वेयरिंग. ये जग्गू दादा जैसे दिखते हैं, वो मीनाक्षी जी जैसी दिखती हैं, मैं भी हां जी, यस यस, तो क्यों ना हम वही सीन रिक्रिएट करें जिसका हमें इंतजार था. ऋषि के साथ ये करने के लिए आपने उनकी जिंदगी बना दी है. अच्छा, हाँ जी मैम, अब इनकी जिंदगी
ओके, थैंक यू इंडियन आइडल, बहुत मजा आया आपका शो होस्ट करते हुए. अब मैं मीनाक्षी जी के साथ जा रहा हूँ फुल टाइम उनकी नौकरी करने के लिए. आइए मैम का छाता लाइए. मीनाक्षी जी एक बहुत खास शख्स हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत ही खास मैसेज भेजा है. वणक्कम मीनाक्षी जी, हाय. आई हर्ड यू गोइंग टू इंडियन आइडल. आई विश आई वाज देयर. आई हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज विद यू. आई रिमेंबर द डेज दैट यू यूज्ड टू रिहर्स फॉर भरतनाट्यम, अ क्लासिकल इंडियन डांस. वाओ. आई मीन आई थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड आई मिस मामा अ लॉट, योर गुरु. Love to her. May her soul always be with us. I always remember that. Jab you had fever, 102, 103 fever tha, aur subah subah 6-7 baje utke waterfall, thanda waterfall ke andar, you had to give a shot and you did it. What grit! You're as strong as silk and as soft as silk. God bless you. Big hugs. Hope to see you soon. Hope to work with you again. All my love. What a beautiful message. And Jackie ji, jo saath mein kaam karne ki baat nikali, I'll take you up on that. Ma'am, wo kaun sa gana tha jisme aapko itna bukhar tha aur aap waterfall ke niche naach rahi thi? Nindya se jaagi bahar. Are wah, what a beautiful song. Aisa mausam dekha pehli baar. Ma'am, wohi gana lekar aa rahi hain. Sonakshi kar. एक्चुअली ना ये टाइम ये कहना पड़ेगा कि भाई सबके सब जो हमारी लड़कियां हैं ना, फीमेल सिंगर्स जो हैं, वो कोई अलग लेवल का टैलेंट है यार. कोई अलग लेवल की सिंगिंग हो रही है यार. I swear. सोनाक्षी क्या कर रही हो तुम?
एवरी परफॉर्मेंस तुम अलग ही लेवल पे लेके जा रही हो. सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सर. थैंक यू. चॉकलेट अच्छी लगती है? बहुत अच्छा लगता है. डार्क चॉकलेट कॉफी से भरा हुआ बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि कॉफी ना एनर्जी देगी तुम्हें. एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है सिर्फ कॉफी से एनर्जी मिलती है? हेलो हेलो यार, मैं एक मिसाल हूँ और मालूम है मेरे एनर्जी के पीछे राज क्या है? बताइए बताइए. जरा गेस कीजिए क्या हो सकता है? चॉकलेट, मिठाई, इंडियन मिठाई, साउथ इंडियन मिठाई. डांसिंग. ओह माय गॉड, यू आर राइट. मेरी एक आइडिया है, अभी मैं वहाँ के कुछ डांस के मूव्स दिखाऊं तुम्हें तो. ओह माय गॉड, आप सिखाएंगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.